मंगल पांडे। हमारे देश भारत के आजादी में कई महापुरुषों के कड़ी मेहनत, सच्ची देशभक्ति और निडरता के रंग आज भी साफ झलकता है। उन महापुरुषों में से एक थे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे की छोटी उम्र में ही देश के लिए कुर्बानी आज भी हमें ये याद दिलाता है कि जियो तो अपने देश के लिए जियो। मंगल पांडे बचपन से ही देश के सच्चे भक्त थे। मंगल पांडे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले प्रथम सेनानी थे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 19 जुलाई 1827 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे को यह ज्ञात हुआ कि अंग्रेज अधिकारी गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस बना रहे हैं। तब उनके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता देख मानो मंगल पांडे के अंदर गौरव के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर आज़ादी की जंग छेड़ दी और अंग्रेज पर हमला कर दिया। हमले के कुछ समय बाद ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और कुछ दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे तो खुद फांसी पर लटक गए, लेकिन उनकी मौत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया था। वे पहले स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश कानून का विरोध किया था। अपनी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले इस वीर से तो एक बार अंग्रेज शासन भी बुरी तरह से कांप गया था। भारत के ऐसे महान सूरवीरों को हमारा कोटि कोटि नमन।